आप सभी को मैं हैप्पी दिवाली बोलूँगी, क्योंकि आप सभी ने अपने अपने घर में बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी। और हर दिवाली आपकी बहुत अच्छी हो, हर त्यौहार आपका बहुत अच्छा हो, सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, ऐसी प्रार्थना है मेरी भगवान से। क्योंकि अभी कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है और मैं थी भी नहीं यहाँ पर। मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड भी किया था कि मेरी मासी का लड़का जो है, मेरा भाई, वो नहीं है अब इस दुनिया में। उसका एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से। जैसे मुझे पता चला था, मैं वैसे ही चली गई थी। वैसे दिवाली के लिए मैंने बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ था कि दिवाली में एक एक करके सारे वीडियो अपलोड करूँगी, पर जैसे ही मुझे पता चला कि अभी एक हफ्ते हो गए, बुधवार को, पिछली बुधवार को ही हो गया था एक्सीडेंट, अब तक तो किसी को भी पता नहीं था कि वो नहीं है। बस मेरा जो बीच वाला भाई था, मेरे मौसी का जो दूसरा वाला बच्चा, उसको पता था कि वो नहीं है इस दुनिया में। फिर भी उसने सबको बहुत हिम्मत दिया कि नहीं, वो है, अभी एडमिट है, उसका तबीयत ख़राब है, सीरियस है, ठीक हो जाएगा, ऐसा करके सबको पता था। मुझे भी उसने यही फ़ोन करके बोला था कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो हो जाएगा ठीक। और तब से हम लोग सभी लोग एकदम प्रार्थना ही कर रहे थे कि ये भगवान वो ठीक हो जाए, मंजूर नहीं था भगवान को ये। फिर दूसरे दिन उसने, गुरुवार के दिन उसने फ़ोन किया कि दीदी, मैं बार बार पूछ रही हूँ उसको कि भाई ठीक है, भाई ठीक है, पर उसने बताया ही नहीं उस दिन कि वो ठीक नहीं है। नहीं, उस दिन उसने बताया, मैं बार बार पूछ रही थी कि वो बोल रहा है क्या, वो देख रहा है क्या। बोलता है दीदी वो नहीं बोलेगा, नहीं देखेगा, क्योंकि भाई नहीं है। वैसे ही मैं फटाफट से यहाँ बच्चों को छोड़ दिया, मैंने बच्चों को देखा तक नहीं। जिसके पास मुझे छोड़ना था ना, मैंने उनको बोला तक नहीं कि मेरे बच्चों को देखना मैं आ रही हूँ। मैं वैसे ही फटाफट चली गई। फिर 2-3 दिन बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था कि वीडियो नहीं आ रही, एक बार सबको बता दूँ। तो कई सारे लोग ऐसे इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे कि तेरा भाई नहीं है तू वीडियो बना रही है, तेरा भाई नहीं है तू वीडियो बना रही है। मैं वीडियो इसलिए बनाया मैंने ताकि सबको मैं बता पाऊँ। वो मेरी मासी का लड़का नहीं था, वो मेरा भाई था। और हम 6 भाई बहन, मेरी मौसी को बेटी नहीं थी, और वो लोग अपनी बहन से कम नहीं समझते थे मुझे। जितना मेरे भाई मुझे समझते हैं ना, मुझे लगता था कि वो मुझसे, मेरे भाइयों से ज़्यादा हो समझते हैं मुझे। पर वो नहीं है दुनिया में, और काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चले, काम तो करना ही पड़ेगा। अभी उसकी शादी को 2 साल होंगे, 10 दिसंबर को, और बहुत धूमधाम से उसकी शादी हुई थी, क्योंकि उसको शादी का बहुत शौक था कि मेरा शादी बहुत अच्छे से करना, और बहुत अच्छे से मौसी ने मेरी उसकी शादी की थी। 3 भाई थे, वो 3 भाई में सबसे बड़ा वो था, घर की सारी जिम्मेदारी, घर कैसे चलाना है, मतलब तो सब कुछ सब लेके चलता था। मैं बार बार अपनी मौसी को ना यही कहती थी कि मौसी ये ना, ये दीपक, दीपक नाम था उसका, दीपक ना तुम्हारे घर का पिलर है। और बार बार मेरी मौसी यही कह के रो रही है कि रेनू मेरे घर का पिलर गिर गया, रेनू मेरे घर का पिलर गिर गया, दिवाली में मेरा दीपक बुझ गया, दिवाली में मेरा घर का दीपक बुझ गया। सोच सकते हैं उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। तो मैं तो अभी कल ही आ गई हूँ मुंबई, क्योंकि
क्योंकि बच्चे हमें किसी और के पास छोड़ के गई थी, तो आना ही पड़ता। तो मेरी मम्मी पापा मौसी मौसा सब हैं वहीं पर पानीपत में। प्लीज़ आप लोग भगवान से प्रे करना कि उसकी आत्मा को शांति मिले। ड्यूटी से वो घर ही आ रहा था, ड्यूटी से घर आ रहा था, और फेसबुक पे बहुत सारे वीडियो वो चल रहा है अभी एक्सीडेंट का। मेन हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया था ड्यूटी से घर आते हुए। फटाफट से जल्दी जल्दी वो घर आ रहा था क्योंकि घर में कलर हो रहा था हमारे मौसी के यहाँ, रंगाई पुताई सब चालू था दिवाली के। अभी कितना दिन हुआ है भगवान, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं। इतना सारा उसने वो लाइट बल्ब का वो जो रहता ना टांगने के लिए, वो सारा लाकर पहले ही रख दिया था कि जैसे घर कलर हो जाएगा उसके बाद फिर सजाएंगे घर को। नहीं सजा पाया वो। मैं मिल भी नहीं पाया। मैं सोची थी कि जितना जल्दी मुझे गाड़ी मिलेगी मैं वैसे ही जाऊंगी फटाफट, कम से कम एक आखिरी बार देख लूंगी। उसको नहीं देख पाई। हर बार रक्षाबंधन होगा ना तो मैं जा नहीं पाती थी रक्षाबंधन में, पर राखी में भेज देती थी हर बार। मैं जब भी जाऊँ ना तो वो लोग मेरे लिए रखेंगे कि मम्मी ये दीदी के लिए रख देना। सबको ना दिवाली में वहाँ जिस भी कंपनी में काम करते हैं ना, तो उनको कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता ही है। वो बोलेंगे ना मेरे घर में आधा गिफ्ट मेरा उनका ही पड़ा होगा। वो लोग बोलेंगे मम्मी रख दो दीदी के लिए, दीदी आएगी ना तो उसको देना। मैं चली जाऊँ ना तो फिर कहाँ उठा लूँ, कहाँ बैठा लूँ, क्या खिला दो, क्या दे दो। मतलब मैं उनको ना दूँ उससे ज्यादा वो लोग मुझे वापस दे देते। शादी में कितने धूमधाम से शादी में, ऐसा लग रहा था कि जिस भाई के लिए मैं कपड़े लेके गई थी आज उस भाई के लिए मैं कफन लेके जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। आ रहा था ना ऑफिस से तो ट्रक ट्रक ये जो रहता ना अपना पिट्ठू बैग, बैग का उसके पिट्ठू बैग का ना वो फीता जो था वो ट्रक में फंस गया था, और ट्रक वाला उसको घसीट के बहुत दूर तक ले गया। ये कान का पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा ही खराब हो गया। ये यहाँ से ये निकल ही गया था। वो इतना ब्लड रोड पे पूरा खून 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 खून, 1-1.5 घंटे बाद ही ख़त्म हो गया था वो। तो दूसरे तीसरे दिन उसका पोस्टमार्टम के बाद उसका बॉडी मिला। जब तक मैं तीसरे दिन पहुंचती तब तक वो लोग लेके चले गए थे। पर काम तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अभी आ गई हूँ तो वीडियो आएगी, थोड़ा तकलीफ होगा कष्ट होगा पर वीडियो तो आएगी। और जो लोग प्लीज़ ऐसे गंदे कमेंट करते हो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करना प्लीज़। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो फिर प्लीज़ बुरा भी मत बोलना कि ऐसे कर रही है वीडियो बना रही है। ये काम है, काम करना ही पड़ेगा। ऐसा हो जाता है तो ऐसा नहीं एक लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, खाना खाते ही हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर वीडियो में, क्योंकि वीडियो तो बनानी पड़ेगी क्योंकि काम है, और काम एक बार छूट जाता है तो बहुत फिर उसको ऊपर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई तो चला गया मेरा, वो काम करते करते गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, फिर भी वो काम पे जा रहा था। वो काम छोड़ता ही नहीं था भले कितनी भी बीमार हो जाए, काम नहीं छोड़ता था। ड्यूटी जाएगा ही जाएगा, कि उसको पता था कि मैं काम छोड़ दूंगा तो घर में सब कैसे रहेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। सबके बारे में बहुत सोचता था। मिलेंगे आप कल की वीडियो में, कोशिश करूंगी कि वीडियो रोज आए।